प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा नवी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सीखने वाले हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। उसमें हम लोग सीख रहे थे धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोगों ने विभव और विभवांतर के बारे में सीखा था। आज हम विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, चालक और विद्युत रोधी, प्रतिरोधों का संयोजन परिणामी प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एक नजर फिर से डाल लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम, चालक और विद्युत प्रतिरोधी, प्रतिरोधों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इन टॉपिकों पर हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है? यह है ओम, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओम। जर्मन वैज्ञानिक क्या है? जॉर्ज ओम। इसमें नियम है कि चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को I से लिखते हैं और उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को V से लिखते हैं। तो I प्रोपोर्शनल टू V या I बराबर VR, Y बराबर V बटे R, यही संबंध होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट। चालक के दोनों सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के प्रतिरोध को हम एक ओम कहते हैं। चालक का प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं और इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों? ओम होती है। ये देखिए I बराबर V बटे R या V बराबर I R। ये V वोल्टेज है, R क्या है? रेजिस्टेंस ओम में रहता है। I बराबर V बटे R या इसको हम कई रूपों में लिख सकते हैं। ये देखिए V बराबर I R भी लिख सकते हैं, I बराबर V बटे R भी लिख सकते हैं, R बराबर V बटे I भी लिख सकते हैं। ते हम कई रूपों में लिख सकते हैं, चाहे आप इस रूप में लिखो V बराबर I इंटू R, R बराबर V बटे I, I बराबर V बटे R। यहां हम करंट को हम एम्पियर में और विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? ओम। माने एक वोल्ट बटे एक एम्पियर, एक वोल्ट बटे एक एम्पियर बराबर एक ओम के बराबर होता है। एक वोल्ट बटे एक एम्पियर बराबर एक ओम। तो चालक के दोनों सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से
एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। बच्चों अपने घरों में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अपने घरों में जो लाइन करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी करंट होती है, उसका परिपथ, जैसे आप अपने घर में बल्ब जलाते हैं तो कैसे बल्ब जलता है, जब उसमें करंट क्या होती है, दौड़ती है। देखिए कैसे बल्ब जल रहा है, या आप बैटरी से जलाते हैं या सप्लाई जो आती है, तो कैसे बल्ब जलता है, जब सर्किट क्या होता है बच्चों, पूरा हो जाता है। विद्युत सेल के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तारें अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अखंड मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। बल्ब जलाते हैं कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होती है, देखिए बैटरी से जला रहे हैं, एक प्लस उसमें होता है इंगक, एक माइनस होता है, जब दोनों जुड़ते हैं तो बल्ब क्या होता है, चमकता है। जब सर्किट कंप्लीट होती है तब बल्ब क्या होता है, चमकता है, जलता नहीं है बच्चों, इसको कहते हैं चमकना। अगर जल जाएगा तो राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्किट है, देखिए तो विद्युत सेल के दोनों अग्रों से जोड़ी गई चालक तारें, दोनों अग्रों से देखिए प्लस से भी और माइनस से भी, अन्य प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अखंड मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये क्या होता है बच्चों, कंडक्टर आप जाते हैं जिसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है, माने आप उसको छुएंगे तो आपको हानि पहुंचा सकता है। चालक कंडक्टर जिसको बोलते हैं वो चालक है, इंसुलेटर विद्युत रोधी है। चालक किसे कहते हैं, कंडक्टर क्या है, तो जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें चालक कहते हैं, माने इसमें से करंट, कंडक्टर में से करंट क्यों हो, क्या हो सकती है, आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ये देखिए अब यहां पर ये जोड़ने वाली की लगी हुई है, ये की, ये सिरेमिक की है, ये देखिए इलेक्ट्रिक ब्लॉक है, इलेक्ट्रिक जा नहीं रही है करंट यहां जोड़ने पर भी, और यहां पर मेटल की है, ये मेटल की है, यहां पर देखिए जोड़ दे रहे हैं तो करंट पास हो जा रही, मतलब बल्ब क्या हो रहा, जल रहा है। तो पहले चित्र में बल्ब जल नहीं रहा है क्योंकि वो चाबी जो लगी की लोगे वो इंसुलेटर है, और दूसरे में मेटल की है तो उसमें जा रहा है, आराम से करंट फ्लो हो रही है। एक दूसरा भी उदाहरण है, देखिए यहां पर हमने ग्लास लगा दिया है, ग्लास ग्लास, अब कापर है तो बल्ब जलेगा, देखो ग्लास है तो भी बल्ब जलता है, लेकिन जैसे स्टील आता है तो बल्ब जलता है, लेकिन जैसे लकड़ी आती है, देखो लकड़ी लगा दिया बीच में तो बल्ब जलता नहीं। तो कहने का मतलब जितने भी मेटल हैं सब कंडक्टर है, सब क्या है, कंडक्टर है, तो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके उसको विद्युत रोधी बोलते हैं, माने इंसुलेटर बोलते हैं। ये देखिए यहां पर कंडक्टर और इंसुलेटर एक जगह, आप केबल देखे होंगे वायर का, उसके बीच में वायर होता है, ये मेटल है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके ऊपर इंसुलेटर लगा है तो जिससे हम इसको छू भी सकते हैं, छू भी देते हैं तो हमको ये हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इन इंसुलेटरों में से वायर डाला गया है और ये वायर में से करंट, ये मेटल का है, कॉपर वायर हो सकता है, अल्मोनियम वायर हो सकता है, तो इसमें से विद्युत धारा आराम से प्रवाहित होती है। ये देखिए यहां भी है, कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ऊपर क्या है, प्लास्टिक है। तो कहने का अर्थ है कि प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है और मेटल जो है वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर एनी मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने में से क्या होते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से नहीं उसके जैसे यहां पर प्लास्टिक लगा हुआ, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, कॉपर एल्यूमिनियम स्टील, मैंने कहने का मतलब एनी मेटल क्या होता है, कंडक्टर। और इंसुलेटर ये बहुत सारे इंसुलेटर हम आपको दिखाएंगे, देखो एक ग्लास है, ग्लास में भी बल्ब लगा था तो नहीं जल रहा था, तो ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरेमिक है, रबर है, पेपर है, फैब्रिक है, कॉक है, वुड है, उल उल और वुड लकड़ी है, और ये क्या है, उल है, उनर उन जिसको बोलते हैं, ये सभी क्या है, इंसुलेटर है, ये सभी क्या है, इंसुलेटर। हम घरों में देखिए, हम अगर कुछ बिजली का काम वगैरह करते रहते हैं, हम टेबल पर माने लकड़ी के टेबल पर खड़े होते हैं, या प्लास्टिक पे प्लास्टिक का जूता वगैरह पहने रहते हैं जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं अपने घर में काम करने के लिए, और जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग वो करते हैं तो जो पकड़ते हैं जो भाग उसमें इंसुलेटर लगा रहता है, इससे उनकी रक्षा होती है। बहुत सारे प्रकार के इंसुलेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, आप तार देखते होंगे, वायर लाइन का बड़े बड़े इस प्रकार के इंसुलेटर उसमें लगे रहते हैं, माने इन इंसुलेटर पर से वायर जो होता है कनेक्ट होता है तो उधर से धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें इंसुलेटरों में करंट आती नहीं है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के इंसुलेटर हैं जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं और हम उसको देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में रुकावट खड़ी करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में क्या करती है, रुकावट खड़ी करती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये प्रतिरोध को हम दो सीरीज में भी जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, और इसको हम पैरेलल क्रम में भी जोड़ते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो R1, R2, R3 प्रतिरोध है, इसको किस में क्रम में जोड़ता है, रजिस्टर को सीरीज क्रम में, एक सीधी लाइन में अगर हम जोड़ते हैं तो सीधी लाइन में जो हम जोड़ते हैं बच्चों, जैसे लाइट जलाना हुआ, हम सीधी लाइन में जोड़ते हैं तो थोड़ी रोशनी कम हमको मिलती है करंट, पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो ज्यादा मिलती है, सप्लाई ज्यादा होती है। तो परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है R1, R2, R3 में, तो इनके लिए एक दूसरा देखिए, ये R1, R2, R3, R4, R5 है, यहां से वोल्ट जो सप्लाई हो रही है डायरेक्ट सब में जा रही है, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम, माने प्रतिरोधों का संयोजन या परिणामी प्रतिरोध को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। इसको हम कैसे इसका योग निकालते हैं, इसके लिए सूत्र है, योग निकालने का सूत्र है रजिस्टर इन सीरीज में, ये सबको एक साथ हम जोड़ लेते हैं तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज फाउंड बाय सिंपली एडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, अगर R से हम लिखते हैं उसको तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, माने सो जितने भी है रजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़े सबको जोड़ लेते हैं, तो करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर इन टर्न, इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में रखते हैं तो उसको जोड़ते हैं। अगर पैरेलल क्रम में रखते हैं तो ये देखिए रजिस्टर इन सीरीज एक उदाहरण है, 1000 ओम है, 100 ओम है और 300 ओम है, ये रजिस्टर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो इसका टोटल रजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम और 300 ओम मिलकर के कितना होता है, 400 ओम होता है। R equivalent to हमने देखा है, याद करने की R1 plus R2, इसमें अपने बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। रजिस्टर इन पैरेलल, ये देखिए पैरेलल में है, यहाँ पर करंट जाती है तो तीनों में डिवाइड हो जाती है अलग अलग, ये देखिए तो R1, R2, R3 यहाँ पैरेलल में माने समांतर क्रम में लगे हुए हैं, करंट फ्लो हो रही, देखिए यहाँ पर करंट प्रतिरोध लगे हुए R1, R2, R3, इसको हम कैसे जोड़ते हैं, हम आपको केवल सूत्र बता रहे हैं, रजिस्टर इन पैरेलल R1, R2, R3 1/R इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R इक्विवेलेंट कैसे जोड़ते हैं, इसका R1, R2, R3 है तो 1/R1 प्लस 1/R2
और प्लस 1/r3 इस प्रकार से इसको हम जोड़ते हैं। तो हुआ हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोधों को हम पैरेलल क्रम में समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या सीखा, ओम का नियम सीखा, V=IR जो पहले सीखा, विद्युत प्रतिरोध और ओम का नियम V=IR और इसमें प्रतिरोध की इकाई जो सीखा हमने ओम सीखा, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा कैसे पूरा होती है वो, चालक और विद्युत रोधी देखा और प्रतिरोधों का हमने श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं उसके लिए सूत्र R=R1+R2+R3+R4 और पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ते हैं 1/R1=1R1+1R2+1R3। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस श्रेणी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में पैरेलल क्रम में जोड़ने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम दी गई है बच्चों, आप उसको हल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं चित्र कैसे सर्किट पूरा होता है, हमारे घरों में जो करंट आती है एसी आती है, डायरेक्ट करंट मतलब एक ही दिशा में जा रही है, एसी अल्टरनेटिव करंट कभी प्लस कभी माइनस दोनों साइड में जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।